अस्सलाम वालेकुम। ताज़ा तरीन खबर लेके हम हाज़िर हुए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में होने वाली हेयरिंग के मुतालिक है। तो हमारे साथ रहिएगा और पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स करें, शुक्रिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तजावीज़ात हटाने की रिपोर्ट पेश ना करने पर सख्त बरहमी का इज़हार किया है और CM सिंध मुराद अली शाह को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। उन्होंने एडिशनल एडवोकेट जनरल को हिदायत की कि वज़ीर आला को फौरन बुलाएं, उनसे कहें रिपोर्ट लेकर आएं। 1.5 साल पहले हुक्म दिया था, अब तक उस पर अमल नहीं किया। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम कि कराची में क्या हो रहा है। आप वज़ीर आला सिंध को बुलाइए, हम उनसे पूछते हैं कि क्या हो रहा है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। CM सिंध तशरीफ़ ले आए हैं और अब वो बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की। अब इनसे सवाल जवाब होंगे चीफ जस्टिस साहब की जानिब से। बाहर आने के बाद CM साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की मीडिया के साथ, यहाँ पे काफ़ी हजूम है। उन्होंने चीफ जस्टिस से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी है। चीफ जस्टिस साहब ने उनको 1 महीने की मोहलत दी है और कहा है कि अब आप नेक्स्ट टाइम वो अपनी रिपोर्ट लेकर हाजिर हों और बताएँ कि कराची में क्या हो रहा है। प्रेस ब्रीफिंग के बाद वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान स्टील मिल के वर्कर्स के प्रोटेस्ट की तरफ भी वो गए, उनसे भी मुलाकात की और उनके मसाइल सुने। वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।